गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज सॉलिड स्टेट के फोर्थ लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वॉइड्स के लिए. ओके, वॉइड्स आर द एम्प्टी स्पेसेस इन बिटवीन द एटम्स इन ए क्रिस्टल लैटिस. मीन्स वॉइड्स क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो एटम्स अरेंज होते हैं स्फेरिकल, उनके बीच में जो खाली स्पेस एम्प्टी स्पेस होता है उसको मैं बोलता हूं वॉइड. ओके, अब ये वॉइड्स वैसे कई टाइप की होती हैं, बट मेनली जो यहां डिस्कस करना है मैंने वो डिस्कस करना है एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में मैंने, और सेकंड डिस्कस करना है मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में. ओके, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जैसे कि नाम से क्लियर है कि एक ऐसा एम्प्टी स्पेस जो चारों तरफ फोर एटम से सराउंडेड होता है टेट्राहेड्रली, उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड. ओके, और इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होता है, वन टू थ्री एटम्स नीचे होते हैं और एक एटम इसके ऊपर लाई करता है. ओके, तो ये आपके पास क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड. अब आता है ऑक्टाहेड्रल के लिए. ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, एक एटम दूसरा एटम और तीसरा एटम एक प्लेन में, तो ये हो जाता है. ओके, और सेकंड प्लेन में क्या होता है कि जो इनका स्पेस है इसके ऊपर इधर इधर और इधर, अब तीन नीचे एटम ट्रायंगुलर फॉर्म में और तीन ऊपर ट्रायंगुलर फॉर्म में. ओके, उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको मैं बोलता हूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि ये जो बीच का स्पेस है दिस इज सराउंडेड बाय सिक्स एटम्स. ओके, इसको बोलता हूं मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ओके, उसके बाद जो बात आती है वो आती है कि जो टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उनका रेडियस कितना होता है. ओके, मींस अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करता हूं मैं रेडियस ऑफ एटम्स, जो स्फेयर बोलता हूं मैं उनको, उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं. ओके, और स्मॉल आर से अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं रेडियस ऑफ वॉइड, उसको मैं अगर रिप्रेजेंट करता हूं तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस मेरा कितना होना चाहिए, 0.225 आर. मींस जो आपका रेडियस ऑफ स्फेयर है एटम है उसके कंपेरेटिवली 0.225 से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम उसको, तो हमारे पास रेडियस निकल आता है टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए. ओके, और अगर मैं बात करता हूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए उसके रेडियस की अगर बात करता हूं मैं, दिस इज आर ओ दिस इज आर टी बोल सकता हूं मैं इसको, दिस इज इक्वल टू 0.414 आर. मीन्स उसी एटम का स्फेयर का 0.414 का मल्टीपल. ओके, तो अब एक चीज और ध्यान रखनी है मैंने कि मेरे पास जो लैटिस है लैटिस के अंदर दो तरह की एंटिटी मिलने वाली है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक होता है कैटायन एक होता है एनायन. जनरली कैटायन का साइज इज स्मॉलर एज कंपेयर टू एनायन. जब कैटायन का साइज छोटा है और मेरे को यह भी पता है कि वॉइड का साइज छोटा है, तो डेफिनेटली क्या हो मैक्सिमम चांसेस में क्या बोल सकता हूं कि वॉइड के अंदर मेरा कैटायन ही एंटर करेगा. ओके, तो यहां से जो कैटायन टेट्राहेड्रल वॉइड में आता है उसका 0.225 आर होना चाहिए, और जो
कैटायन ऑक्टाहेड्रल में आ रहा है उसका 0.414 होना चाहिए। ओके इसका मतलब मैं ये भी एक बात बोल सकता हूं कि टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कंपैरेटिवली काफी छोटा होता है। ओके और दूसरा कि 0.414 से मल्टीप्लाई आर करने के बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाती है, मींस 0.225 से 0.413 तक टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए बात करेंगे हम। ओके और 0.414 से 0.731 तक हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करेंगे। ओके और दूसरी बात अगर मैं बात करूं जो आपके पास एग्जांपल्स इनकी बात करें, मेटल हाइड्राइड हो जाते हैं, बोराइड्स हो जाते हैं, कार्बाइड्स हो जाते हैं, नाइट्राइड्स हो जाते हैं। ओके तो इनके अंदर हाइड्राइड्स के अंदर हाइड्रोजन हो गए, बोराइड्स के अंदर बोरोन हो गया, कार्बाइड्स के अंदर कार्बन हो गया, नाइट्राइड्स के अंदर नाइट्रोजन हो गया। दीज कंपाउंड आर प्लेस्ड इन इंटरस्टाइसिस या वॉइड्स। तो इन कंपाउंड्स को हम बहुत बार इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बोल देते हैं, मींस नाइट्राइड्स बोल सकता हूं मैं इनको, बोराइड्स हो जाते हैं मेरे पास, हाइड्राइड्स हो जाते हैं। ओके तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं मैं उनको क्या बोल सकता हूं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बोल सकता हूं। ओके अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं एक रिलेशनशिप डिराइव करूं किसके बीच में, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ओके और दूसरा जो है रेडियस ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग। ओके मींस मैं क्या चाहता हूं कि जो मैंने अभी ये वर्ड्स बोले हैं कि ये वाला वैल्यूज मेरे को मिल रही हैं, ये कहां से आ रही हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ओके तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए अगर मैं बात करता हूं तो उस केस के अंदर मेरे पास क्या मेरे को मिलने वाला है वो चीज चेक कर लेता हूं मैं। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा 6 होता है। ओके तो पहले ऑक्टाहेड्रल के लिए मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, वॉइड के लिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मीनिंग पता है मेरे को कि जो वॉइड है दैट इज सराउंडेड बाय 6 एटम्स। 6 एटम्स की अगर बात करता हूं तो 1, 2, 3, 4 ये हो गया, बीच में ये वॉइड बन गई जिसमें एक छोटा कैटायन या छोटा आने वाला है, एक इसके ऊपर और इसी तरह एक इसके नीचे, 6 सराउंडेड हो गया। दैट मीन दिस स्पेस इन बिटवीन स्पेस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और अब इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड की मैं बात करने वाला हूं। ओके इसके रेडियस का रिलेशन मैं कैपिटल आर के साथ निकालने वाला हूं। अब मेरे को यह पता है दिस इज सेंटर ऑफ द स्मॉल स्फीयर, दिस इज सेंटर ऑफ लार्जर स्फीयर। ओके तो बीच वाले एक पॉइंट को मैं ए अज्यूम कर लेता हूं, ये दिस इज ए, इधर वाला पॉइंट जो मेरे पास वो है बी और इधर वाला पॉइंट है सी। ओके तो मैं इसको लेके चल रहा हूं, उसके बाद इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं। ओके और ये एंगल मेरा है 90 डिग्री जो बीच वाला है। ओके अब जो ये वाला बी सी की बात कर रहा हूं, बी सी इज कैपिटल आर कैपिटल आर, जो ए बी है दिस इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इसी तरह से जो ए सी है दिस इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इट मींस मैं बात करता हूं तो ए बी मेरा बन जाता है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये मैं इसलिए थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं बाहर की तरफ, क्योंकि अंदर डायग्राम छोटा होने के कारण मैं आर प्लस आर डिनोट नहीं कर पा रहा, ए बी सी। उसके बाद सेकेंड जो मेरे पास बी सी, बी सी भी यही है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और बी सी सॉरी बी सी तो ये हो गया, ए सी की बात, ए सी जो है वो है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और बी सी है 2 आर।
ओके, मेरे पास ये चीज आ रही है। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम अगर इसके ऊपर लगा देता हूं तो हाइपोटेन्यूस बीसी स्केयर इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस ए सी स्केयर, बीसी की जगह 2 आर रख देता हूं मैं, प्लस इक्वल टू ए बी इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्केयर। ओके, और उसके बाद जो मेरे पास आता है वो आता है एसी, एसी भी सेम यही हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्केयर। ओके, अब यहां 2 आर का 4 आर स्केयर हो गया, इक्वल टू ये दोनों टोटल हो जाए 2 आर प्लस आर का स्केयर, इसको इधर ले जाता हूं मैं, 4 आर स्केयर ओवर 2। इक्वल टू आर प्लस आर का स्केयर, ये हो जाएगा मेरे पास 2 2 4 हो जाएगा, तो 2 आर स्केयर इक्वल टू आर प्लस आर पूरे का स्केयर। ओके, अब इस स्केयर को मैं इधर ले जाता हूं तो मेरे पास यहां अंडर द रूट हो जाएगा 2 आर स्केयर इक्वल टू आर प्लस आर, ये हो गया मेरे पास। ओके, आर बाहर निकल जाएगा, आर रूट टू इक्वल टू आर प्लस आर हो जाएगा मेरे पास। ओके, ये क्या है, रूट टू क्या होता है, 1.414, तो 1.414 आर इक्वल टू आर प्लस आर हो जाएगा मेरे पास। ओके, और स्मॉल आर की वैल्यू अगर निकालूंगा मैं, 1.414 आर माइनस आर हो जाएगा, तो यहां से जो वैल्यू निकलेगी मेरे पास वो निकलेगी आर इक्वल टू 1.414 में से 1 माइनस हो जाता है 0.414 आर, ये वैल्यू आती है मेरे पास। ओके, और जो स्मॉल आर है दिस इज रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ओके, तो इस तरह से मैं रिलेशन निकाल सकता हूं। ओके, और इसी तरह अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए बात करूं तो ये वैल्यू मेरे पास आती है आर इक्वल टू 0.225 आर, ये वैल्यू वहां से निकल जाती है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है वो है फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम द नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड, यानी अगर मुझे ये बता दिया जाए कि मेरी टोटल वॉइड्स में से कितनी वॉइड्स फिल्ड हैं और कितनी अनफिल्ड हैं, मीन्स ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, तो मैं वहां से किस तरह से किसी कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल सकता हूं। ओके, इससे पहले मेरे को एक चीज ध्यान में रखनी है कि दो तरह की वॉइड है, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। ओके, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। ओके, जैसे अगर मैं एज्यूम करता हूं कि मेरे पास क्रिस्टलेटिस है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव लेटिस में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 1, क्योंकि कॉर्नर्स पे ही होता है, 1/8 × 8 इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो इस प्रिमिटिव के अंदर मेरे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होंगी, 1 ही होंगी। ओके, अगर मेरे पास क्रिस्टलेटिस है बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, वहां क्या है, 1/8 × 8 प्लस 1 × 1 इक्वल टू 2 एटम्स हो जाएंगे, तो 2 एटम्स के केस में मेरे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 ही होंगी। इसी तरह एफसीसी की अगर बात करता हूं टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 1 + 3 = 4, 1 किसके कारण, कॉर्नर्स के कारण, और 3 जो है वो एटम्स किसके कारण होते हैं, फेस सेंटर्स के कारण होते हैं। ओके, 4,
तो वहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होंगी वो मेरी फोर ही होंगी। ओके, ये चीज माइंड में सेट करने की है। सेकेंड थिंग, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती हैं, दिस इज 2 into नंबर ऑफ एटम्स, या मैं बोल सकता हूं 2 into ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ओके, तो ये चीज जो है हमेशा माइंड में रखने वाली बात है। ओके, और आयनिक कंपाउंड्स के केस में मेरे को पता है कि बिगर आयन्स आर प्रेजेंट इन द पैकिंग। ओके, कि जो बड़े होंगे वो क्या हूं पैकिंग बनाएंगे, और जो स्मॉलर होंगे वो क्या बनाएंगे, वो जाएंगे वॉइड्स के अंदर। ओके, तो मैं ये कह सकता हूं कि कैटायन अगर स्मॉल साइज में है तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर सकता है, क्योंकि मेरी टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज ऑक्टाहेड्रल से कम है। ओके, अगर कैटायन बड़ा है और इतना बड़ा है कि वो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए प्रेफर करेगा। ओके, तो इसलिए, और ऐसा कभी जरूरी नहीं होता कि मींस ओनली टेट्राहेड्रल या ओनली ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में भी ऑक्यूपाई। ओके, ये हो सकता है कि जो आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं इसकी कुछ फ्रैक्शन ऑक्यूपाई हो, और इसी तरह से अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पड़ी हैं आपके पास तो उसकी कुछ फ्रैक्शन ऑक्यूपाई हो, या दोनों की कुछ कुछ फ्रैक्शन ऑक्यूपाई हो। ओके, तो ऐसा पॉसिबल है। ओके, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोल्ड एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो उसमें क्या है, एक कंपाउंड इज फॉर्मड बाय टू एलिमेंट्स, ये एग्जांपल कर रहा हूं मैं ताकि समझ में आए हमारे। एक कंपाउंड दो से बना हुआ, एक एक्स से और एक वाई से। ओके, वाई जो मेरे पास है वो क्या है, एनायन है, और एक्स क्या है, कैटायन है मेरे पास। ओके, और सेकंड थिंग, जो वाई एलिमेंट है वो बना रहा है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ओके, और जो एक्स एटम है, जो कैटायन है, वो ऑक्टाहेड्रल, ये सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहा है। और ये जो है मेरे पास, ये किसमें जा रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जा रहा है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को निकालना है कि उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। ओके, अब मैं ये अज्यूम करता हूं कि सपोज नंबर ऑफ एटम्स इन द सीसीपी अरेंजमेंट, मैं अज्यूम करता हूं कि मेरे पास कोई भी एक ले सकता हूं मैं सीसीपी में, मींस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ले लिया मैं, अज्यूम करता हूं इसके अंदर। ओके, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर एनायन जो लैटिस में जो एटम्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, एन, या मैं ये टू हो जाते हैं मेरे पास। ओके, अब मेरे को ये पता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उसकी इक्वलिटी क्या है मेरी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी टू ही होंगी, टू ही के रेशियो में होंगी। ओके, और जब मेरे पास एनायन वाई भी मेरे पास टू है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी टू ही है, मींस कैटायन भी मेरे पास टू आने वाले हैं, तो इसमें रेशियो क्या होगा, 2:2, या मैं कह सकता हूं x:y=1:1। और अगर ये रेशियो है तो x1 y1, इट मीन फॉर्मूला क्या होगा, एक्स वाई फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास। ओके, तो मैं इस तरह क्या कर सकता हूं, इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को मैं सोल्व कर सकता हूं और फॉर्मूला ऑफ अननोन आयन में निकाल सकता हूं। ओके, अब मेरे को ये तो पता लग गया कि टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल के कंपैरेटिवली डबल होती हैं। ओके, तो टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू 2 into ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये तो मेरे को पता ही है। ओके, अब दूसरी बात ये आती है
कि इन टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल जो मेरी वॉइड्स हैं उनकी पोजीशन क्या है। ओके, पोजीशन के लिए मैं कुछ डायग्राम्स के साथ में यहां आ रहा हूं अभी। तो मेरे पास ऑक्टाहेड्रल जो पोजीशन है उसके बारे में बात कर लेता हूं मैं। तो फर्स्ट केस में मेरे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये सेंटर में जो मेरे को होलो सर्कल दिख रहा है वो है। इसका मीनिंग क्या है कि मेरे पास बॉडी सेंटर के ऊपर अगर मैं एफसीसी अरेंजमेंट ले रहा हूं तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है मेरे पास कि बॉडी के सेंटर के ऊपर मींस जो ये एटम सब हैं जो रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ये एटम सब फेस के सेंटर के ऊपर हैं। ओके, और फेस के सेंटर के ऊपर ये यहां अगर मान लो मेरे पास उसके फेस के सेंटर वाले एटम्स के सेंटर के ऊपर कौन सा बॉडी सेंटर्ड पोजीशन होगी। ओके, और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसी से भी शेयर्ड नहीं होती क्योंकि बॉडी के सेंटर के ऊपर है। ओके, तो अब सेकंड केस में मैं एज के ऊपर ले लेता हूं। अब यहां से देखते हैं अगर हम, अब क्योंकि ये एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल के इधर भी क्यूब है, ऊपर भी हर हर डायरेक्शन में क्यूब्स हैं, तो एज के सेंटर के ऊपर दिखाई दे रहा है मेरे को। इस केस में अगर मैं चेक करता हूं तो मैं क्लियरली देख पाता हूं, देखो ये इस क्यूब का फेस सेंटर है, ये पीछे वाला जो मेरे पास फेस है उसके सेंटर के ऊपर है, ये वाला जो है हमारे राइट हैंड साइड में जो फेस है उसके सेंटर के ऊपर है। थ्री एटम्स तो ये हो जाते हैं। उसके बाद अब जो इसके इधर क्यूब है मैं उसको एज्यूम कर रहा हूं, अब इसके ओपोजिट ये वाला फेस सेंटर है क्योंकि यहां भी एक फेस बनने वाला है एक नेक्स्ट क्यूब का। इसी तरह से इसके ओपोजिट मीन्स फ्रंट वाले फेस के ऊपर जो यहां क्यूब होगा और एक क्यूब इधर। ओके, मीन्स इसके ओपोजिट मीन्स इससे ऊपर वाले क्यूब के फेस के ऊपर, तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मेरे पास ये बनती है। ओके, और ये जो एज है दिस एज इज शेयर्ड बाय फोर क्यूब्स या फोर यूनिट सेल्स, इट मीन्स ये जो वॉइड है मेरे पास ये भी फोर यूनिट सेल से शेयर्ड होगी। ओके, इसके बाद अब एक एफसीसी स्ट्रक्चर के अंदर जो मैंने अभी एज की ऑक्टाहेड्रल वॉइड चेक की थी उसके अंदर मेरे पास टोटल कितने एजेस हैं, 12 एजेस हैं। 12 एजेस के ऊपर हर एक के ऊपर क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ओके, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इट मींस, और वो शेयर्ड बाय फोर क्यूब्स हैं या फोर यूनिट सेल्स हैं। ओके, तो मेरे पास दो तरह की वॉइड्स मिली, एक तो जो स्टार्टिंग में पड़ी थी बॉडी सेंटर के ऊपर, और दूसरी वॉइड कौन सी मिली मेरे को, वो मिली मेरे को एज के सेंटर के ऊपर। अब मैं इन के नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेता हूं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो मेरे को पहले पता है, पहले कैलकुलेट कर चुका हूं मैं। दूसरा, अब यहां से जो मेरे पास दो टाइप की वॉइड्स तो एक ही टाइप की एक है लेकिन दो पोजिशंस के ऊपर मिली है, तो उनका मैं टोटल कर लेता हूं, उससे उसको कोरिलेट करता हूं कि जो हमने पहले किया था कि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, क्या वो सही है या नहीं। अब उसके कैलकुलेशन पहले मैं कर लेता हूं। अब स्टार्टिंग में मेरे को मिली थी बीसीसी पे, बॉडी सेंटर्ड बॉडी के सेंटर के ऊपर मेरे को एक वॉइड मिली थी, वन तो वो होगी क्योंकि वो किसी और से शेयर नहीं हो रही, और दूसरी मिली मेरे को एज के सेंटर के ऊपर। एज के सेंटर के ऊपर मेरी वॉइड शेयर हो रही कितने से, फोर से। ओके, 1/4 एक क्यूब के पार्ट में आती है, और टोटल कितने मेरे पास, 12 एजेस, तो 4 × 3 = 12, तो 3 आ गया, तो 1 + 3 = टोटल वॉइड्स कितनी है मेरे पास, 4। ये किसमें है, एफसीसी में। ओके, अब उसके बाद एफसीसी में नंबर ऑफ एटम निकाल लेता हूं मैं। नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी 1/8 × 8 कॉर्नर्स के कारण, 1/2 × 6 फेस
फेस सेंटर्ड, एफ जो फेस के सेंटर के ऊपर है, तो टोटल 1 + 3 इक्वल टू 4। 4 ही मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग है और 4 ही मेरे पास क्या है, वॉइड्स हैं। इट मीन्स जितने मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स होंगे या स्फेयर होंगे उतनी ही मेरे पास नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी। ओके, तो ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिर्फ आपको बताया था उस चीज को मैं यहां से एक्सप्लेन कर सकता हूं। अब बात आती है किसके लिए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स की पोजीशनिंग के लिए। ओके, तो पोजीशन की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास एक क्यूब है, क्यूब के टोटल 4 बॉडी डायगोनल है और हर एक बॉडी डायगोनल के ऊपर मेरे को मिलती है टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, और अगर एफसीसी के लिए बात करता हूं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए अगर बात करता हूं, तो हर एक बॉडी डायगोनल के ऊपर मेरी 2 वॉइड्स मिलती हैं। ओके, और हर एक बॉडी डायगोनल पर 2 वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलती हैं। इट मींस टोटल बॉडी डायगोनल्स कितने होंगे, 4, और एक के ऊपर 2, तो टोटल वॉइड्स कितनी होंगी, 8 वॉइड्स। ओके, और सेकेंड थिंग, ये वॉइड्स भी नंबर ऑफ एटम के वेरी करती हैं, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे आपके पास उसी के डिपेंड करती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के नंबर के सेम होती है, और जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके पास टेट्रा जो आपके पास क्यूब में है उससे डबल आपके नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपको मिलने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो हम करेंगे वो है रेडियस रेशियो रूल एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। ओके, सो फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।